नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन भारद्वाज। स्वागत है आपका इंडस डिस्पैच पर। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने यूटी को कार्बन न्यूट्रल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। सोलर एनर्जी और ग्रीनरी को अडॉप्ट कर कार्बन न्यूट्रल बनने का सफ़र लद्दाख में शुरू हो गया है और इसके साथ साथ ही काफ़ी प्लांटेशन ड्राइव्स जो हैं वो लद्दाख में ऑर्गेनाइज की गई हैं और अधिकारियों का कहना है कि यूटी में अभी भी जो कार्बन के लेवल्स हैं वो बहुत लो हैं और इनको पूरी तरह से एलिमिनेट करने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। पावर डिपार्टमेंट ने पिछले 2 सालों से कैंपेन चलाकर लेह के 26 गांवों में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करवाई है और साथ ही वहां से डीजल जनरेटर्स रिमूव करवाए हैं ताकि वहां ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। यूटी का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत मजबूत कर दिया गया है और पिछले सालों में 5 लाख से ज़्यादा पौधे यूटी में लगाए गए हैं और इसमें सिर्फ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंडियन आर्मी का भी पूरा हाथ था पौधे लगाने में। और साथ ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर चुजुल लद्दाख में 1.5 लाख से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए और बहुत बड़ी प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज़ की गई थी जिसमें वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लद्दाख के एमपी जमयांग सेरिंग नमग्याल का कहना है कि 2020 से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करके लोगों की उम्मीदों को पूरा किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि लद्दाख को एक सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में एक मिसाल बनाने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। रविंद्र कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ लद्दाख, ने कहा है कि लद्दाख में सोलर एनर्जी पर बहुत काम किया जा रहा है और रिसेंटली फेयांग इलाके में 20 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स के लेकर टेंडर जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में सोलर ट्रीज और सोलर कारपोर्ट्स भी लगाए जाएंगे।